हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप सबके लिए मैं दोबारा नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई इडियम एंड फ्रेजेस के। कल मैंने 1 to 20 कराया था, आज उसके बाद कंटिन्यू करा रही हूँ। 21 से हम कंटिन्यू करेंगे, 21 to 40 करेंगे, रोज़ हम 20-20 करेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड। लिटिल ग्रश ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब एक्सेसिव एंथुजियाज्म। अगर हम थोड़ा सा भी ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं, इसका मतलब है एक्सेसिव एंथुजियाज्म। ठीक है, एंथुजियाज्म एक्सेसिव में, एक्सेसिव मतलब लार्ज अमाउंट में हम दिखा रहे हैं। ओके, और लाइव वायर। अब कोई भी वायर है, अगर समझ लो वो लाइव है, मतलब वो तार से कनेक्टेड है, तो वो लाइवली एंड एक्टिव होगा ना। ये आपको कुछ कुछ वही मैंने कल आपको बताया था, देख के आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा। वही करने में आपको मैं हेल्प करूँगी। हम जो भी कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कहीं भी कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए उसी को मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि SSC बहुत रिपीट करता है क्वेश्चन, इसलिए हमें ये पूरा करना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट, अ मैन इन अ स्ट्रीट। आप कोई भी मैन स्ट्रीट में जा रहे हैं, वो ऑर्डनरी मैन होगा, कॉमन मैन होगा, तो वही है सिंपल। मैन इन अ स्ट्रीट, एन ऑर्डनरी पर्सन और कॉमन मैन। मैन ऑफ लेटर, अगर ऐसा समझ लो, इसको ऐसा समझ लो, मैन है कोई लेटर पढ़ रहा है, तो पक्का पढ़ा लिखा पर्सन होगा और लिटरेरी पर्सन। ओके, देखो ये कितनी बार पूछा है, CGL 1 CGL 2 2016-15 में पूछा है। नेक्स्ट है अ मंथ ऑफ संडेस। संडे हफ्ते में सिर्फ एक बार आते हैं और हम लोग संडे के लिए तरसते हैं, जैसे कब आएगा संडे, जैसे सैटरडे को हम कितने खुश हो जाते हैं कि अगले दिन संडे है, तो क्या होता है, और लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ता है, अ लॉन्ग टाइम। लिटिल ग्रश ऑफ एटीट्यूड मतलब एक्सेसिव एंथुजियाज्म, अ लाइव वायर, लिवली एंड एक्टिव, अ मैन इन द स्ट्रीट, एन ऑर्डनरी पर्सन, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ लिटररी पर्सन, अ मंथ ऑफ संडेज, अ लॉन्ग टाइम। चलो अब नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। कोई भी सिग्नल में कहीं पे भी रेड लाइट ऐसे डालते हैं सिग्नल्स में, तो क्या होता है, कुछ इम्पोर्टेंट या एकदम से अट्रैक्टिव होता है, हमें दूर से ही दिख जाता है, तो रेड लेटर डे मतलब अ डे मेमोरेबल फॉर जॉय एंड जॉयफुल इवेंट। ऐसा कुछ दिन, ऐसे कोई दिन जो मेमोरेबल हो, यादगार हो, कोई खुशी का इवेंट हो, तो अ रेड लेटर डे बोलते हैं। देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ, CHSL 2010-15 2007-11 में रिपीट हुआ। इम्पॉर्टेंट है, अ रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, टाटर, अ स्केयर्ड काउ। काउ कैसे होते हैं, सीधे साधे से होते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, निंदा करना। ये काउ कितने सीधे होते हैं, इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, इसलिए किससे कंपेयर करते हैं, अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, उनको कहते हैं स्केयर्ड काउ। शॉट इन द डार्क, अगर एक बात बताओ, आप कोई भी कहीं डार्क है, कोई भी डार्क प्लेस में आप कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो एक गेस कर रहे हो, आप जस्ट गेस करते हुए कर रहे हो, अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, कुछ डार्क में आप कोई निशानाबाजी कर रहे हो, तो जस्ट गेस कर रहे हो, तो सीधा सा मतलब एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। बस और पॉइंट, समथिंग विच हर्ट्स, ये तो पता होगा, ईजी था। व्हाइट एलिफेंट, एलिफेंट जब हम एलिफेंट देखते हैं वो कैसे होता है, ब्लैक ग्रे, ग्रेश ब्लैक कलर में होता है। आपने व्हाइट कलर एलिफेंट देखा है, बताओ, नहीं देखा ना, बहुत रेयर होता है, बहुत कॉस्टली एंड ट्रबलसम। उसको देखो, अगर ऐसे समझ लो, अगर आपके पास व्हाइट एलिफेंट है तो कॉस्टली भी होगा और वो आपको परेशान भी करेगा, क्योंकि उसे कोई भी चुरा सकते हैं, वो आपको ट्रबल भी कर सकते हैं, तो वही याद रखो, कॉस्टली एंड ट्रबलसम वाइट एलिफेंट का। अ वाइल्ड गूस चेस, फ्रूटलेस परसूट, पॉइंटलेस सर्च। कोई ऐसे चीज़ को सर्च करना जो पॉइंटलेस है, जैसे हमें ढूंढना मतलब ही नहीं है, बेमतलब है वो ढूंढना, उसको हम कहते हैं वाइल्ड गूस चेस। नेक्स्ट है एकिलेस हील्स, हील इसका मतलब होता है वीक स्पॉट, कोई भी वीक स्पॉट हो उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है 35, यहाँ आना चाहिए था, ऊपर आ गया, एड फ्यूल टू फायर। ये तो हिंदी का ही मुहावरा है, आग में घी डालना
ये वही वाला है, ऐड फ्यूल टू फायर, वर्सन द मैटर, जो बात है उसको और बिगाड़ देना, वही मतलब है यहाँ पे। नेक्स्ट है इट ऑल सी पजल्ड, अगर आपको समुद्र में जाके छोड़ दूँ और आपको हर जगह बस समुद्री समुद्र दिख रहा है, आपको यहाँ जाके छोड़ दूँ और आपको हर जगह समुद्र दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे, पजल हो जाओगे, तो वही पजल। ऑल ईयर्स अटेंटिव, अगर किसी की बात ध्यान से सुन रहे हो, कान दे के सुन रहे हो, तो अटेंटिव हो उनके उनकी बातों से। ऑल माइट एंड मेन, पूरी जान लगा के विथ फुल फोर्स। ऑल मून शाइन फार फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से बहुत दूर। अलाउ अ फ्री हैंड, फ्री छोड़ रहे हो, आपने अपने हाथ को ढीला छोड़ दिया, मतलब कंप्लीट लिबर्टी, आपने किसी चीज़ को फ्री छोड़ दिया, किसी पे इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, उसको बोलते हैं। ओके गाइस, यहाँ तक 40 वर्ड्स हो गए हमारे, 40 इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। हम एक बार क्विकली रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए, दिमाग में बैठ जाए वही चीज़। चलिए आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। अ लिटिल गश ग्रैटिट्यूड, क्या था? एक्सेसिव एंथुसियाज्म, लिटिल गश रखेंगे तो एक्सेसिव एंथुसियाज्म आएगा। अ लाइव वायर, लाइव वायर तो लिवली एंड एक्टिव होगा वो। अ मैन इन अ स्ट्रीट, स्ट्रीट में कोई मैन है तो ऑब्वियसली ऑर्डनरी मैन होगा, कोई सेलिब्रिटी तो होगा नहीं, कॉमन मैन होगा। अ मैन ऑफ लेटर, अगर मैन कोई लेटर पढ़ रहा है तो पढ़ा लिखा होगा, लिटरेरी पर्सन। अ मंथ ऑफ संडेज, अब संडे के लिए हम कितना वेट करते हैं, अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है अ संडे, संडे लेटर डे, सॉरी अ लेटर, आई एम सो सॉरी, अ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे मतलब कोई इम्पोर्टेंट और मेमोरेबल इवेंट होगा, अ डे मेमोरेबल ऑफ जॉय एंड इवेंट। नेक्स्ट है अ रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, टाटर, अ स्केयर्ड काउ, सीधा सा काउ, काउ कैसे होता है, बेचारा सीधा सा होता है। अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, शॉट इन द डार्क, गेस करना, आप अंधेरे में आप निशाना मारोगे तो वो गेस ही हुआ ना, अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, सोर पॉइंट, जहाँ पे आपको हर्ट हो रहा हो, समथिंग विच हर्ट। नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट आपके पास है, महंगा भी होगा और आपको परेशानी भी है, कोई इसको किडनैप ना कर ले तो क्या होगा, कॉस्टली एंड ट्रबलसम। वाइल्ड गूस चेस, फ्रूटलेस पॉइंटलेस सर्च, फायदा ही नहीं है सर्च करने का, बिना पॉइंटलेस कब सर्च कर रहे, बिना पॉइंट कब सर्च कर रहे। अबाउ बो, जो ऑनेस्ट है विदाउट एनी सीक्रेट है उनको बोलते हैं अबाउ बो। अकेलेस हील, वीक स्पॉट होते हैं। एड फ्यूल टू फायर, वर्सन द मैटर। लास्ट स्लाइड है 36 है। एट द सी, मैंने आपको बताया था कोई समुद्र के बीच में आपको छोड़ दें तो कंफ्यूज हो गए, पजल्ड हो जाओगे। ऑल ईयर्स अटेंटिव होके सुनना किसी की बातें। ऑल माइट एंड मेन विद फुल फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ। ऑल मून शाइन, जो मून का शाइन है वो कितना दूर है, फार फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। अलाउ अ फ्री हैंड, अपने हैंड को फ्री छोड़ देना, ढीला छोड़ देना हाथ को, मतलब कंप्लीट लिबर्टी, आप किसी पे प्रेशर नहीं डाल रहे, किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे, किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रख के उसको बोलते हैं कंप्लीट लिबर्टी, आपने छूट दे दिया उस चीज़ को। तो गाइस यहाँ पे 40 वर्ड्स हमारे हो गए, पहले 20, कल 20 किया था, आज हमने 20 किया। ऐसे ही हम रोज 20-20 करते हुए आएंगे, मंडे टू फ्राइडे तक करेंगे और सैटरडे संडे आप इसका रिविजन करना। अगर आप भी इसको कंटिन्यू देखते रहोगे तो आपके पास भी एक पूरा बंच बन जाएगा इडियम एंड फ्रेजेस का। इसमें लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं होगी, आज आज आप रोज़ देख रहे हो 5 डेज और सैटरडे संडे इसका आप रिवीजन कर रहे हो, तो एग्ज़ाम में आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं है, आपका ये पूरा पक्का हो जाएगा, आपके 1000-2000 वर्ड्स ऐसे ही बनते हुए चले जाएंगे, आपको कहीं रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। तो आप कंटिन्यूएशन में देखना, बीच में मिस मत करना, मैं भी मिस नहीं करूँगी, रोज़ अपलोड करूँगी आपके लिए। चलो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और सबको शेयर कर देना। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।